कल की लिखी हुई गीत बिल्कुल ताजी ताजी। एक प्रश्न आपको बीच में रख रहा हूं। मेरी और उनकी भाग पिए एकदम फिट
माँ पार्वती कहे हरदम ही समय में रहा हमसे रामपति गरीब से गरीब से गिरजा भवानी से आप भगवान होंगे लेकिन मैं पत्नी हूँ मेरे मर्जी के काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे मैं सहने वाली नहीं हूँ गरीब कसू से अम्बे भवानी भवानी माँ पार्वती रूप के नजर चली आई सारी सखिया सहेली सुन के खबर आई सखिया सहेली रानू पड़ोसन और हेली मेरी सखी लोग आ गई पड़ोसन आ गई हेली मेरी लोग आ गई मस्करी कर रही है पार्वती जी से बताओ सखी ए सखी बताओ सखी कुछ अरे बताओ सखी आप बीती कहानी तीनों लोग को मारी सुहागरात में जब भूमिका उठौलन तुमको कुछ देहल की ना बताओ सखी आप बीती पार्वती जी कह कुछ नहीं है सखिया कह रही है तुम्हारे पति है अरे पार्वती देखी हम लोग नहीं वही शादी में हम लोग देखे तो उनका खड़ा मार सांप बिच्छू भूत शैतान सब देखे थे लेकिन तुम गई थी तो वहां से कुछ लाई आपके शरीर पर कोई गहना नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे पति शिव है तुम्हारे पति शिव है दुनिया के Thank you.
खाओ दिखाओ सभी कुछ पिया की निशानी निशानी दिखाओ सभी कुछ पिया की लोग के मालिक आपके पति भोलेनाथ है, बड़ा चर्चा सुनी हूं आपके शरीर पर कोई सोने का गहना नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे सास नैहर से गई थी वैसे वापस आई है, कुछ नहीं दिए चूहे उसी का परिणाम मैं भुगत रही हूं।
झलक मुखमंडल पे, अरे झलक मुखमंडल पे माँ परेशानी, आपसे कोई छिपी बात नहीं है। आप भोलेनाथ को अच्छी तरह से जानते हैं, वो खाली अपने ही मस्त रहते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं देते हैं। कहा हम आया सही करेंगे, कहा मैं नहीं है गई थी, मेरी सखियों ने इतना बड़ा ताना मारा, मैं अपने माँ बाप से नहीं कर पाई, नहीं तो सोना सलाह दे दे लो, लेकिन जरूरत मेरी पति की है, मैं आज पत्नी हूँ अर्धांगिनी हूँ, तो उनको देखना चाहिए, हमारी नैहर की सब सखियां ताना मार के भेजी है, मन कह रहा है कहीं दूर के मर जाए, क्या करने समझ नहीं आता है। नारद जी और आगे मार लगा रहे हैं, ये भक्त राम हरि को अरे माँ देख लो, आप उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, जीवन संगनी है, लेकिन भोलेनाथ ने आपके साथ क्या किया, भक्त राम हरि को स्वामी की है माता कैसा, आप देख लीजिए, अपने समझिए, हमको समझाना नहीं है, पद्मा सुन को वरदान दिए, रावण जो सोने के लंका बनवाया आपके लिए, लेकिन रास्ते में रावण मांग लिया और उसको कह कर ले जाओ, आपको आप उनकी जीवन संगनी अर्धांगिनी है, उन लोगों को दे दिया, जीवन संगनी से करया नकानी, जीवन संगनी से करया नकानी। माँ पार्वती नहीं बुझा पा रहे, रास्ते में डबल आग लगा दिए, लगी आग में आग नारद लगाई, क्रोधित हो माता निकट शिव के आई, माँ क्रोधित है, भोलेनाथ पहुंची, भोलेनाथ तक रघुनाथ ने कहा पार्वती क्या समस्याएं हैं, आपको समस्याएं बताने, समझा के बोला आए परेशान हो, भगवान जान रहे सारी बातें जान रहे हैं, समझा के बोला सती नहीं मानी मानी Thank you.
भगवान भोले गए काहे परेशान हो, तुम नारद की बात में क्यों आ जाती हो? कि नारद सही कहते हैं, आप केवल अपने मगन रहते हैं, आपको दुनिया से मतलब नहीं है। भोले नाथ का सबसे मतलब है, सब मैं जानता हूँ, कहाँ सुनिए सब सब जानते हैं ना। तो एक बात मैं कह रही हूँ, हमको पूरे शरीर पर सोने का गहना चाहिए, हमें चाहिए स्वामी आभूषण। नहीं काम करते कभी मेरे मन का, मेरे मन का बोले समझ गए, सती मानने वाली नहीं है। क्या चाहती हो? कहाँ को सोना चाहिए? पूरे शरीर में सोना से मैं ठग जाऊं, मुट्ठी भर राखी, ये राखी 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 ये फूल दानी 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 राखी ये फूल पार्वती। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं मानूंगी, सोना का गहना पूरे शरीर में चाहिए। भगवान भोलेनाथ झोली में हाथ डाल के राखी निकाल लिए, एक मुट्ठी राखी लेके माँ पार्वती को दे दिए और कहे क्या को धनवान पहाड़ लगा हुआ है सोना चांदी का। चली जाओ कुबेर के पास, कुबेर धनवान के पास जाना। जाना कुबेर के पास, राख के बराबर राखी दे देना कुबेर को और कहना कि राखी के बराबर सोना दे दो। कुबेर धनवान के पास जाना और राख के बराबर सोना लेके आना। अरे कुबेर के दिल कई महारानी रानी रानी कई भाव है। माँ
पार्वती जिस समय कुबेर की राजधानी पहुंचती है, देख सती को चरणों का धूल मस्तक पे लगा लिए कुबेर जी और कहने लगे, धन्य हुए धन्य हुए माता माँ, आपके चरण आज यहाँ पड़ गया, हम तो धन्य हुए माता और मेरी राजधानी हो। राजधानी धन हो गई माता, बस एक निवेदन है माँ, हम तो आपके भोलेनाथ के दर्शन करने आते थे, वहाँ अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? माँ पार्वती ने कहा, बोली सती राज कर में थमा कर, आए माँ बताओ तू, राखी निकाली भोलेनाथ का दे दिया हाथ में, माँ क्या करना है? अरे हमें चाहिए भोलेनाथ ने दिया है राखी, इसके बराबर हमको सोना दे दो। माँ ये भोलेनाथ की राखी है ना, राख के बराबर, माँ इतना सोना चाहिए जितना हमारे पास दौलत है, माँ लेकर चली जाओ राख के बराबर, नहीं सोना चांदी 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 राख के बराबर, नहीं सोना पहाड़ जितना सोना चाहती है माँ, इतने काम चले तो ले जाओ मैया। माँ पार्वती कारी बाप रे बाप, जानी सती जानी सती सोने के पहाड़ और राखी जितने कीमत की पहाड़ के ऊपर राखी कीमत है, ऐसा मेरा पति है। जानी
थोड़ी आई भगवान भोले के चरण को गिर पड़ी। क्या पार्वती सोना नहीं मिला क्या? क्षमा करे स्वामी, स्वामी क्षमा करे स्वामी, मेरी नदानी नदानी क्षमा करे स्वामी, सब मेरी नदानी चली आई भैया। स्वामी मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हमने किया। चलो पार्वती, तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा श्रृंगार कोई और देखेगा। तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो। पति का श्रृंगार, पत्नी का श्रृंगार उसका पति होता है। वो सोना कितनों पहने पड़ोस पड़ोस देखते हैं। तुम मुझे उसी तरह अच्छी लगती हो। शिक्षा भरी लाएंगे है आता है। मिटे जो पूरी ना भी